श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रयास करा करो, अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, सात बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आदिशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है, शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाना। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है, जम के बोलिए, शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग चार या पांच सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती, पर भाग्यशाली हो आप सब, अब की बार तो लाइन से दो बार पड़ रही है, शायद एक 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और एक 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, जहाँ तक ऐसा उम्मीद है, अभी देखा नहीं पंचा, पर ऐसा उम्मीद है कि 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए। सोमवार अष्टमी शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें माँ जगत जननी जगदम्बा अपनी 64 योगनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती है जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं, तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं, और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती है, लक्ष्मियों को, लक्ष्मी माता को वो 64 योगनियां दी जाती है। लक्ष्मी मैया उन 64 योगनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती है, भगवान नारायण उन 64 योगनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं, उन 64 योगनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं, ब्रह्माणी उस 64 योगनियों को ले जाकर माँ जगत जननी आदिशक्ति को देती है, आदिशक्ति उन 64 योगनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती है। शंकर भगवान की कथा कहती है सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आदिशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से सात बेलपत्र शिव को समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांध कर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको तो एक महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता सोमवार के अष्टमी के दिन, अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हल्दी की बिंदी रख दी जाए, लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए, और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाए, महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी, शिव और आदिशक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी, भगवान शंकर और पार्वती का मिलन। ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते, बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना, पूर्ण भरोसा मतलब छोड़ दिया, पूर्ण भरोसा मतलब शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता है क्या, नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होता है। शिव जी को आधा चावल का दाना भी नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ाइए, शिव जी को आधा फल नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ता है,
श्री फल भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शंकर भगवान के पास में आधे का कोई काम नहीं, उनको पूर्ण समर्पण चाहिए। आपका पूर्ण समर्पण अगर आप दोगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा। शिव जी पे विश्वास कितना करना चाहिए? कई लोग पूछते महाराज जी आप बताओ शंकर भगवान पे विश्वास कैसे करें, तो हमने कहा जैसे पायलट पर करते हो वैसे भगवान शंकर पे करो। जैसे ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर पर करते हो ऐसे शंकर भगवान पर करो। बस में बैठते हो तो बस के ड्राइवर पर करते हो ऐसा भगवान पर करो। पायलट कैसा हवाई जहाज चला रहा है आपको मालूम है क्या? जम के तो बोलो, जम के बोलो, मालूम है? आप तो आराम से अंदर जाके पायलट का दरवाजा बंद, वो अकेला उधर तुम इधर, अब बढ़िया चकाचक सो रहे हो। तो पायलट पर विश्वास किया कि नहीं किया कि वो कहाँ ले जा रहा है, कैसे चलाएगा, क्या करेगा? ना तो पायलट दिखे ना आगे का दिखे, तुम्हें तो बादल ही बादल दिखे। बोलो सही है कि गलत है? इसके सिवा कुछ दिखे तो तुम तो बिल्कुल अंधे भक्त बनकर बैठ रहे कि पायलट चला रहा है, अपने को क्या करना। और मैं नाम बोला जाता है कि आज ये पायलट फ्लाइट को चला रहा है, बस उसी तरह तुम अंदर जाके बैठ गए। अब पायलट लेकर जा उसी तरह ट्रेन में आराम से सो रहे, वो अकेला बेचारा ड्राइवर बटन दबाए ये दबाए सिग्नल नहीं देखे और तुम्हें निपटा दे तो पर भरोसा करा कि नहीं करा? जमके तो बोलो, करा कि नहीं करा भरोसा? विश्वास करा कि नहीं करा कि ड्राइवर चला रहा है, गाड़ी ले जा रहा है, ट्रेन चला रहा है? आप तो आराम से सो, रात भर सोए, चकाचक सवेरे उठे ना मुंडा घिसा फिर बैठ गए ट्रेन के अंदर और ड्राइवर चला रहा है। अपने को कोई टेंशन ही नहीं क्योंकि उस पे अपने भी विश्वास करा, उस पे भरोसा करा। बस वाला बस चला रहा है, तेज चला रहा, कम चला रहा, कैसी चला रहा, ऊंची चला रहा, नीचे चला रहा, तुम तो बैठो। हाँ ज्यादा तेज चला तो तुम ही कहते धीमे चला भैया, भैया ऐसा चला भैया। और कई कई मालिकों की आदत रहती है, वो ड्राइवर को दिन भर टोका करते धीरे 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 आराम से धीरे, दचका है, स्पीड ब्रेकर, सावधान रखो। अच्छा तुम तो कह रहे थे कि धीरे धीरे, पर ड्राइवर से तो पूछो अंदर अंदर की गाली पकता चुपचाप तो बैठ जा। और ड्राइवर ये कसो होता होगा कि चुप ही नहीं बैठ रहे तो बोले जा बोले जा बोले जा। करा कि नहीं करा विश्वास? फ्लाइट चलाने वाले उस पायलट पर करा, ट्रेन चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा, बस चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा। जितना विश्वास कर कर आराम से तुम ट्रेन में सोए हो, फ्लाइट में आराम से सामान लेके बैठ गए हो, शंकर की कथा कहती उतना विश्वास तुम शंकर पर कर लो और शांति से जीना चालू कर दो, बाकी का सब निपटा लेगा वो।